नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदिति त्यागी और रात के 8 बजने वाले हैं यानी जी न्यूज पर। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का यानी कसम संविधान की। कुछ समय पहले देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे, घर घर से अफजल निकलेगा। अब यूपी में एक नेता, एक पूर्व विधायक ने बयान दिया है कि घर घर में मदरसा खुलेगा और इसी बयान के बाद मदरसों के सर्वे की सियासत में फिर गर्मी लौट आई। यूपी सरकार ने राज्य के तमाम मदरसों के सर्वे का एक आदेश जारी किया था। सर्वे हो चुका है, हर जिले के डीएम के पास रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। मदरसों पर एक लंबे समय से जिहादी पढ़ाई कराने, कट्टरता को बढ़ावा देने, टेरर फंडिंग लेने और देश को बांटने की तालीम देने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे और इन्हीं तमाम आरोपों के बीच ये सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब 25 अक्टूबर को यूपी सरकार को सौंपी जानी है। सर्वे में क्या निकला है इसका यूपी सरकार ने कोई क्लू नहीं दिया है, लेकिन सर्वे को चैलेंज करने की तैयारी पहले ही की जा चुकी है। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खां का ये बयान कि कितने मदरसे बंद करोगे, अगर करोगे तो घर घर में मदरसा खुलेगा। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बहस लेकर आए हैं, क्योंकि यूपी में मदरसों के सर्वे पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। हम ये बहस इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि मदरसों में सर्वे को मुस्लिम विरोधी करार दिया जा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि मजहबी शिक्षा पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। बहस इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि मदरसों पर कट्टरता का पाठ पढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं और ये बहस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि मदरसों पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप भी बार बार लगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सभी मदरसे एक जैसे हैं। ये समझने की जरूरत है कि कुछ मदरसों को लेकर ये सवाल उठे हैं, कुछ मदरसों के इस तरह के कनेक्शन सामने आए हैं और उन्हें लेकर जांच और एक्शन भी लिया जा रहा है। आगे हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही कई खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। सितारे ऐसे ही नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। AM to PM। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। ये वो लोग हैं जो गरीब मुसलमानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने से पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है, आपको लेना देना क्या है? ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। जो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं वो न मदरसों के हितैषी हैं न शिक्षा मुसलमानों की शिक्षा के हितैषी। मदरसे वालों के साथ जाती है और उम्मत मुस्लिमा पर, खासतौर से मुसलमानों पर ये जुल्म ढा रहे हैं। जो भी मद्रासा तोड़ा गया है वो मद्रासा नहीं था, वो अलकायदा का एक कार्यालय था। तो 2-3 हमने तोड़ा, अभी पब्लिक खुद आके तोड़ रहा है। तो आपको बता देते हैं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। AIIMIM का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान हमारे साथ हैं, शोएब जमाई हमारे साथ हैं, राकेश त्रिपाठी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर मुफ्ती शमून कासमी दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। संजीव उनियाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और RSS की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अरशद अबीद भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले वारिस पठान, मैं आप ही का कमेंट यहां पर चाहती हूं और कमेंट इसलिए चाहती हूं क्योंकि मुझे याद है जब यूपी सरकार ने इस तरह से मदरसे का ऐलान किया था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आके ये कहा था ये तो मिनी NRC है, ये तो छोटा NRC है। अब आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जमीरुल्लाह खां। वो कह रहे हैं अब अगर एक्शन लिया गया तो घर घर में मदरसा होगा। ये जो घर घर में मदरसा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका बयान है समाजवादी पार्टी का, वो उनका डिफेंड कर लेंगे। मैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रखने आऊंगा, मगर यहां पर ये बात कहूंगा आदिति जी
कि मदरसों का सर्वे कराना तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल भाजपा का योगी सरकार का मुसलमानों को परेशान करना ये मेन मुद्दा है, इसीलिए तो लोगों ने सर्वे करवाया। क्या जरूरत है जो प्राइवेट एडेड मदरसे, ये प्राइवेट मदरसे है ये प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार इसके अंदर फंडिंग तो देती नहीं, फिर क्यों मदरसे का सर्वे करवाना जरूरत है। इसलिए हमने कहा ना कि सर्वे एक मिनी NRC हो गया है, अगर इनको सर्वे करवाना था तो क्यों किसी विद्या मंदिर का सर्वे नहीं कराया। आप मेरे साथ चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सारी विद्या मंदिर स्कूल है जहां पर स्कूल के अंदर छपड़े के नीचे बच्चे बैठते हैं, आदिति जी उनके पास पंखा नहीं है, जब महिला एक लड़की पढ़ने जाती है जिस स्कूल के अंदर तो वहां टॉयलेट नहीं है, 7-7 घंटा उसको ऐसा बैठे रहना पड़ता है, तो वहां का सर्वे करा के क्यों वहां पे नहीं कर देते काम। बात नंबर दो, मोदी जी ने कहा था कि सब मदरसा वालों को हाथ में कंप्यूटर कुरान देंगे, कितने लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप दे दिया मोदी जी ने, कितने 1600 के करीब उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर आते हैं, 5 साल से उन मदरसों के जो टीचर है उनको पगार नहीं दिया, वहाँ पे हमारे पंडित भाई भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कई डिबेट्स की हैं और सरकार अपने फैसले पर आगे गई है और अब 25 अक्टूबर को फाइनल रिपोर्ट सबमिट भी कर दी जाएगी। डिबेट का पॉइंट वो नहीं है। हमारे साथ हाजी जमरुल्ला खान है जिनके स्टेटमेंट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना और समझना चाह रही हूँ, घर घर में मदरसे की क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? देखिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर मदरसों पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी उनका सर्वे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सर्वे की आड़ में उनको भयभीत किया जाएगा तो घर घर मदरसे खुल जाएंगे, क्योंकि आज से 40 साल पहले घर घर में ही मदरसे हुआ करते थे। मैडम आपको नहीं मालूम घर घर में मदरसे हुआ करते थे, पहले हमारी बहन बेटियां पड़ोस के मकान में पढ़ने जाती थी, जो भी वहां पर आंटी थी चची मस्जिद में सीखने जाते थे, पड़ोस में कोई बड़े बुजुर्ग थे जिनको जो पढ़ाते थे हम उनका सीखने जाते थे। ये तो 20-30 साल के अंदर अब मदरसे बनना शुरू हुए और ये मदरसे की असल में जो खौफ पैदा हुआ है इस बात से हुआ है कि इसका रखरखाव कहां से होता है, इसकी फंडिंग कहां से होती है, कोई कहता है पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, कोई कह रहा है अमरीका से पैसा आ रहा है, कोई कह रहा है साउथ से पैसा आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि अरब से पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा नहीं आता। ये है कि हम लोगों की अपनी जेब से पैसा देते, कोई 50 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है, कोई अनाज का बोरा देता है, कोई चीनी का बोरा देता है। जमीला खान, घर घर में मदरसा होगा इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? आप ये कह रहे हैं कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, किसी ने आपसे ये कहा सब मदरसे इस वक्त कड़घरे में है? किसी ने कहा है आपसे ये सभी मदरसों का सर्वे हुआ है? अभी जो मदरसों का देख रहे हैं आप, तोड़ फोड़ हो रही है, इससे खौफ पैदा हो रहा है, खौफ, लोग डर गए हैं। कितने मदरसे तोड़ दिए गए उत्तर प्रदेश में? जितने टूटे आपके सबके सामने अभी टीवी पर देख रहे, आपने अभी दिखाई दे? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैंने असम में इलेक्शन देखा और सुना, वहां के लिए भी सुना था, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि वहां पर तो जो लोकल कम्युनिटी थी उसी ने एक्शन लिया था, वहां पर तो ये भी कहा गया था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों पर आपने एक्शन देखा बीते 2 महीनों में, ये बताइए मुझे। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा खौफ पैदा है, खौफ, लोग अंदर डर है। अभी तो आप कह रहे थे बहुत एक्शन लिया गया है, तोड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ बहुत एक्शन, अरे मैं बता रहा हूँ आपसे कि खौफ पैदा हो गया है, बताइए ना, डर गए हैं, डर महसूस कर रहे हैं। आपका दावा है ये खौफ पैदा होता है सर, ये तो आप कह रहे हैं, आप इंटाइटल्ड हैं अपनी ओपिनियन के लिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर। सुनिए तो प्लीज, जमीरुल्लाह खान साहब सुनिए मेरी बात, प्लीज सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए। कितने मदरसों पर एक्शन लिया गया? आज आपके पास ये मंच है जहां से आप बता सकते हैं कि 200, 2000, 1500, 800, 50, 70, 60, कितने मदरसों पर, मैं जिस तोड़फोड़ की आप बात कर रहे थे उन पर ऐसा किया गया सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, बस इतना बताइए मुझे। देखिए बात सुनिए, आपने कह लिया, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर एक होता खौफ पैदा करना, जो माइंड रोड इसके अंदर खौफ पैदा हो गया कि मदरसों की, अब मदरसों पर आफत आई, कोई असल में डर पैदा हो गया है, यहाँ के लोग पढ़ाने से, तो जो मौलवी लोग हैं वो कहने लगे कि साहब हम कहां से लेकर जो कटवाएंगे, तो पैसा मांग रहे हैं, कहां से आया पैसा, SDM जाता है पूछता है इसकी फंडिंग कहां से होती है, इसका पैसा किस किसने दिया। अरे भाई कहां से, ये हमारी अपना जाति मैटर है, अगर आप सर्वे कर रहे हैं और आपको कुछ देना है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम है आपका, और अगर आप दे कुछ नहीं रहे, खौफ पैदा कर रहे हो,
तो भैया इसलिए हमने ये कहा कि घर घर मदरसे खुल जाएंगे, ना पढ़ाएंगे अपने बच्चों को मदरसों में, अपने घर में पढ़ा लेंगे। अरे आप मुझे एक बात बताइए ना सर, आपसे सवाल ये, जब कुछ गलत किया नहीं, जब कुछ गड़बड़ की नहीं, जब हर चीज सही है, तो फिर आपको कैसे लग रहा है सरकार मदरसों पर एक्शन ले सकती है? पहले तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप मदरसों को समझती क्या है, मदरसों क्या समझ रहे हैं आप? पहले मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं आप मदरसों? नहीं नहीं, मैं तो मदरसों को जो समझ रही हूँ आप मदरसों को क्या समझ रहे हैं? बात को मदरसे के अंदर सिर्फ कुरान की तालीम, बड़ों का अदब, जिंदगी कैसी गुजारी जाएगी, माँ बापों का अदब, हिंदुस्तान से क्या करना, ये सिखाया जाता है। ये आप समझा रहे हैं ना मुझे? ये आप मुझे समझा रहे हैं और दर्शकों के सामने कह रहे हैं? सुनिए ध्यान से, आप ये बताइए खौफ कहाँ से आ रहा है, डर कहाँ से आ रहा है, बताइए जरा मुझे। खौफ है, किसमें खौफ है? खौफ पैदा हो रहा है कि कागज लेकर देखो दिखाएंगे। अरे तो क्या खौफ पैदा हो रहा है? अगर कोई मुझसे कहे कि आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, तो क्यों डर लगेगा मुझे? मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास मेरी इंटीग्रिटी है, तो डर किस बात का है? इसे डर इस बात का है कि हमने उसको लिखा क्या, 10 साल से मदरसे चला रहे, हमने कोई इस तरह नहीं रखा, तो आप तो कल कहां से पैसा हम का जवाब देंगे? हाँ, अगर आप ये को आज तक जो हुआ वो ठीक है, अब हम सरकार हम आपको 50,000 रुपए महीना देगी तो हम वेलकम करते हैं आपका, बहुत बढ़िया। आइए, अरे आप इतने सेलेक्टिव क्यों हैं सर? मैं ये नहीं समझ पाई, सेलेक्टिव क्यों है? आपने बयान दिया कि 100 के 1000 मदरसे भी अवैध हुए, उन पर पाबंदी लगाई, तो घर घर में मदरसे खुलेंगे, तो सर ये आप अवैध और वैध तो मान नहीं रहे ना? आप अपना बयान सुनिए, अपना ही बयान सुन लीजिए। चलिए, मेरा मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा, और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे कुरान शरीफ के, वही पढ़ा दिया करते थे, तो ये इसमें कोई जरूरत नहीं है। कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहेंगे। ये 100 का 1000 भी अवैध हो सकती हैं, और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रहेंगे सबके सब। जमीरुल्ला जी, आप ही का स्टेटमेंट है ना, आप तो मान्यता की भी जरूरत नहीं है आपके मुताबिक तो। बिल्कुल सही, नहीं आप उसको, अब आप उसको अवैध कैसे कह रहे हैं? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अवैध कैसे हो गया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चलिए। नहीं आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं सर, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? मैं एक सेकंड, घर घर में मदरसा, उसकी मान्यता की जरूरत नहीं है, ऊपर से आप मुझसे ये कह रहे हैं कि बड़ा डर का माहौल बना दिया है। आपसे पूछा कितने मदरसों पर एक्शन ले लिया, आपके पास कोई डेटा नहीं है सर, डेटा अभी तक एक भी आंकड़ा आप रख पाए कि 500 मदरसों पर ये एक्शन ले लिया, 50 पे ले लिया, चलिए 10 बता देते, बता दीजिए ना, आपके कहने भर से दुनिया मान ले। मैं अपने लोगों से बात करता हूँ, लोग डरे हुए हैं, अगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, शासकीय होगा इसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और सरकार मदद करेगी तो हम बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया बात, कोई बात नहीं, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जमीरुल्ला जी, जब तक आपके राइट्स का, अदिति त्यागी के राइट्स का, किसी के राइट्स का उल्लंघन नहीं हो रहा ना सर, तब तक जो सरकार, जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को एड्रेस करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा सर। अदिति त्यागी के हिसाब से या जमीरुल्ला के हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा। अगर हम इस देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, और जब तक मेरे राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा, या मुझसे कोई सरकार वो काम नहीं करा रही जो मैं करना नहीं चाहती है, जिसे लेकर अगर मैं कटघरे में हूं, तो तब मुझे डर लगेगा। अगर मैं पाक साफ हूं, मेरी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं, तो मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे क्यों कहना पड़ेगा घर घर में मदरसा खुलेगा, क्यों कहना पड़ेगा सर? आप क्यों डर का, ये जो डर का नैरेटिव आप तब से बिल्ड कर रहे हैं मदरसों के इर्द गिर्द, क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं? अब मैं बताऊं, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए, जब से मुल्क आजाद हुआ है कोई मदरसों में आज तक सर्वे नहीं करने आया, तो समझना मेरी बात, सुन लेना पूरी बात, कोई किसी ने ये नहीं कहा, ये सरकार आई अगर मदरसे की सर्वे करना चाहती है तो करे, हमें कोई एतराज नहीं है, कर ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछला लेखा जो का, अगला लेखा जो का, ये कौन देगा, कौन करेगा? मौलाना लोग डर गए, मौलाना का बच
मौलाना के बच्चे बेचारे खुद गरीब होते हैं, वो अपने पालते हैं इसी के जरिए। तो ये जो है ना, ये बात से पहले क्लियर कर दे सरकार कि किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, खाली रजिस्ट्रेशन कराओ, बात खत्म हो जाएगी। भाई अगर कोई वायलेट कर रहा होगा, एक सेकंड, तब से मैं डर 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 इतना डर सुन चुकी हूँ। राकेश त्रिपाठी कितना डराते हैं आप, देख रहे हैं हाजी जमरुल्ला कितने डरे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हाजी जमीरुल्ला के काम कुछ वैधिक निविधिक नहीं है, कुछ कानूनी होंगे और इसीलिए डर, क्योंकि सांच को कोई याच नहीं। जो सच्चा है, जिसने कुछ गलत नहीं किया है, उसे बिल्कुल निर्भय होकर के रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने से पहले 19,000 से ज्यादा मदरसे हमारे पास मान्यता प्राप्त थे। सरकार आने के बाद बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि कई सारे मदरसे फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने आप को मान्यता ले रखी है। हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल हमने तय किया कि इस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। लगभग 3,000 मदरसे जो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि वो फर्जी थे, फर्जीवाड़ा चल रहा था मदरसों के नाम पर, फर्जीवाड़ा चला करके उससे सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। हमने जांच करा करके कार्रवाई करना प्रारंभ। देखिए, ये घबराहट उन लोगों को है जो लोग मदरसों के नाम पर अवैध गतिविधियों का केंद्र संचालित करना चाहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं। जो भी फर्जीवाड़ा चलाना चाहेगा, ठीक, अच्छा दो जवाब लीजिए। जमीरुल्ला खान, पहले आप ये कह रहे हैं अवैध गतिविधि उसे रोकना चाहते हैं, पहले आप और उसके बाद बारिश पठान, जल्दी जल्दी। नहीं तो मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अवैध गतिविधियां किस मदरसों के अंदर, अवैध गतिविधियां क्या है? यही इनके नियत पर हमें शक है कि ये गतिविधियां नहीं भी होंगी तो साबित कर देंगे कि ये गतिविधियां गलत चल रही है। और अवैध क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर वेद क्या था पहले से, अवैध क्यों कह रहे हैं आज अवैध क्यों कह रहे हैं इस बात को? अरे आपने आज आपने कानून बनाया है, हमारी सरकार ने यूपी सरकार ने कानून बनाया कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो इससे पहले वेद अवैध का सवाल कहां गया? ठीक है, एक जवाब मैं वारिस पठान से भी लूंगी, उसके बाद राकेश त्रिपाठी दोनों को जवाब दीजिएगा, प्लीज दोनों को जवाब दीजिएगा। वारिस पठान, ये अवैध गतिविधियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी जी जी। नहीं, कहां से अवैध गतिविधियां हो गई? डॉक्टर राजाराम मोहन राय मदरसे से निकले, अब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सब हमारे प्रेसिडेंट देश के रहे, वो मदरसे से निकले, क्या उन्होंने अवैध गतिविधियां कर दी? मैं बताता हूं आपको अवैध गतिविधियां कहां होती है। जब आरएसएस का खुद का प्रचारक 22 साल का आदमी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालता है, एफिडेविट फाइल करके बोलता है ना, आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता है बॉम्ब बनाना, और जो हिंदुस्तान में काफी बॉम्ब ब्लास्ट हुए आरएसएस ने करा, अवैध गतिविधि वहां होती है, सर्वे वहां कराना चाहिए आपको, समझ गए? ये सबके सवाल का जवाब है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं आदित्य जी, एक बहाना है मुसलमानों को परेशान करना, और ये चला रहा है। आप बोलते हो डर है, नहीं, डरते किसी के बाप से नहीं है, डरते सिर्फ अल्लाह से, संविधान को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ का पालन करते हैं, देश के अंदर रहते हैं, हमारा इक्वल है देश हमारे लिए, उतना ही है जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मगर यहां पर जो मुसलमानों को रोज रोज बोला जाता है ना, कभी स्टेज से खड़े होके कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो परवेश वर्मा ने कहा, मगर मोदी जी उसका खंडन नहीं करते, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, दिल्ली की पुलिस को एफआईआर नहीं फाइल करती उसके खिलाफ, वो प्रॉब्लम आता है देश में कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी, परिषद के स्टेज से अपनी बात रख सकते हैं, आपको शिकायत है सरकार से, बीजेपी से करिए शिकायत। राकेश त्रिपाठी, जमीरुल्ला खान के बयान में और वारिस पठान के बयान में, दोनों के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन। जमीरुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, और वारिस पठान कह रहे हैं कि किसी का बाप मुझे नहीं डरा सकता है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका मतलब वारिस पठान नहीं डरे, तो वारिस पठान के पास जो हिम्मत आती है वो हाजी साहब भी सीख ले भाई कि कैसे उनको मिलती है। मैं फिर दोहरा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के रहते हुए किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जरायम की दुनिया में है, अपराधी है, जो गलत काम कर रहा है, वैधानिक काम कर रहा है, उसको निश्चित तौर पर डरने की जरूरत है, और ये डर जरूरी भी है समाज के लिए, बेहतरी के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों के नाम पर जिस प्रकार से एक ही शिक्षक कई जगहों पर पंजीकृत होता था, कई जगहों से तनख्वाह के नाम पर निकाली जा रही थी, ये शिकायतें मिली, जांच में पकड़े गए, उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां करना प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं कि मदरसा, जिसको इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा, स्कूल कहा जाएगा, कह रहे घर घर में मदरसा चलाएंगे, अरे घर रहने के लिए होता है, आवासीय तौर पर उसका नक्शा पारित होता है, चाहे जिला पंचायत से होगा, चाहे नगर पालिका क्षेत्र में होगा, नगर निगम क्षेत्र में होगा, और आप जब कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे या कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी करेंगे तो उसका अलग से नक्शा पास होगा। देश नियम कानूनों से चलेगा, संविधान से चलेगा, कोई भी विद्या भारती का विद्यालय हो या किसी अन्य प्रकार का विद्यालय हो,
वो किसी न किसी एजुकेशन बोर्ड से संचालित होगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड से संचालित होने वाले मदरसों पर हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। नियमों के साथ चलाइए, पढ़ाई कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हरीश पठान के नियमों से चलाइए, क्या आपत्ति है? कौन रोक सकता है? सीधे तौर पर कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी। अरे वाह वाह वाह, क्या मुंह से अल्फाज निकल रहे थे, शहद टपक रहा था मगर झूठ का शहद। इन्होंने कहा कि देश तो रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, संविधान पे चलेगा। अरे भाई साहब, संविधान की धज्जियां तो आप लोग रोज उड़ा रहे हो। कायदे कानून का कब पालन किया आपने? बिना नोटिस दिए तो आप बुलडोजर से चला देते हो। आफरीन फातिमा के घर को बुलडोजर से उड़ा दिया, नोटिस दिया, उसके बाप को घर था उसकी माँ के नाम पे उड़ा दिया ना आपने बुलडोजर से। कायदे कानून का पालन किया? कायदे में लिखा है क्या किसी को अगर आप गुनाह सिद्ध नहीं हो उसके पहले जाके आप उसका घर को उड़ा दो? ये लिखा है क्या? उड़ाया ना आप लोगों ने, कितने सारे घर उड़ा दिए बताइए ना। क्या देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? ये इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं आदिति जी। मदरसे में कहां चले गए? तो मदरसों में तो चला है ना, आसाम में क्या किया? अरे आसाम में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलाया उन्होंने। मदरसे पे बुलडोजर चला के नहीं आदिति जी। अरे आसाम में तो ये भी कहा गया। वारिस भाई सुनिए ध्यान से, वारिस भाई सुनिए, मुझे बता आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं? ठीक है सुनिए ना, सुनिए कितना वोट में तब्दील होगी वो तो खैर आपको इलेक्शन में पता चलेगा, लेकिन ये भी तो बताइए उन रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे जिनमें ये भी कहा गया कि जो लोकल कम्युनिटी थी उसी ने ही ऐसे मदरसे पर एक्शन लिया था। वो भी तो रिपोर्ट्स आई थी ना, वो भी इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए मैं एक एक कॉमेंट लूंगी। शोएब जमी, आपको भी डर लग रहा है इस वक्त? शोएब जमी आवाज आ रही है? अदिति जी मुझे तो समझ में नहीं। जी जी अदिति जी, देखिए पता नहीं लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो ये 4% बच्चे हैं, क्योंकि 96% तो स्कूल में पढ़ते हैं, चलिए वो स्कूल में ड्रॉप आउट हो गए नहीं हो गए उसका कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये जो 4% जो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी चाहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेकर के और ये बड़े बड़े मुफ्ती, आलिम और हाफिज और कारी बने और दुनिया को कुरान का पाठ पढ़ाएं और बताएं कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुल्लाह, कि यहां से कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कामयाबी हो। ये मोदी जी और योगी जी चाहते हैं, कितनी बड़ी बात है। लोग खामखा उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं करना चाहिए। संविधान की बात हो रही है भाई, संविधान की अगर बात हो रही है तो मेरे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक संविधान की एक कॉपी है। इसी संविधान में आर्टिकल 29 में लिखा है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीव्ड एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन grounds ओनली ऑफ द रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यानी कि स्टेट फंडेड मदरसे भी और जो स्टेट फंडेड मदरसे नहीं है, कहीं से एड लेके फंड लेके भी चलाते हैं, वो भी संविधान की नजर में वैध है और वो चल सकते हैं, बेशक उसमें कोई यहां से अवैध नहीं है और वो बिल्कुल सही है। नंबर वन। नंबर टू ये है कि भाई डर तो किसी को नहीं लगता है, लेकिन शंका वहां जाहिर होती है कि जब कोई नेता आकर के आउट ऑफ द वे आके कह देता है कि हम तो मदलता तोल देंगे, हम तो मदलते का अस्तित्व खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर नहीं होना चाहिए तो काहे आप मदलते का यहां तो उद्दाल की बात कर रहे हैं? तो यही बात समझने की, या तो कॉन्ट्रेडिक्शन दोनों में है, आप कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं हम मदरसे का उद्धार करेंगे, दूसरा आपका नेता कह रहा है हमें मदरसा ही तोड़ दूंगा। एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन को फंड करना चाहिए, ये कह रहे हैं वो। ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी, उसके बाद मुफ्ती शमून कासमी। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड्स है आपके पास। आर्टिकल 29 जवाब ले लीजिए। अरे तो क्यों नहीं चैलेंज किया था? आर्टिकल गिनवा रहे हैं ना मुझे शोएब जमाई, आर्टिकल गिनवा रहे हैं ना मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का। गए क्यों नहीं कोर्ट? कोर्ट क्यों नहीं गए आप? चैलेंज किया आपने? क्यों नहीं रुकवा दिया ये सर्वे? रुकवा देना चाहिए था सर्वे। एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्टॉप्ड, इट कैन नॉट बी अलाउड। क्यों नहीं रुकवाया आपने? बस यहाँ पे किताब दिखाने आए हैं और अपने हिसाब से चीजों को बताने आए हैं, बताइए गए थे आप कोर्ट? मेरे सवाल का जवाब दीजिए 20 सेकंड से आपके पास। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आपने? जी मैं चाहता हूं कि अदिति जी संविधान की कसम खाती हैं, वो भी संविधान को ध्यान में रखते हुए इस पे आवाज उठाना तो गरीब आदमी। अदिति जी संविधान की कसम खाती हैं, गरीब और कमजोर है। संविधान की कसम खाती हैं, संविधान को कमजोर आदमी है आप लोग। संविधान को टोटालिटी में बात करती है, इसी संविधान में लिखी है यूसीसी, इसी संविधान में लिखी है यूसीसी।
हो जाए लागू, आपका बड़ा चैनल है। नहीं तब लागू नहीं होनी चाहिए, वो इसी संविधान में यूसीसी भी लिखी है। आर्टिकल 44 चाहिए, आर्टिकल 44 चाहिए, कहती है नहीं आर्टिकल 44 चाहिए। अरे बिल्कुल चाहिए, और सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 44 भी होगी, आर्टिकल 61 भी होगी। अभी सुनिए दूसरी बात, आर्टिकल 61 संविधान की कसम खाती है और राइट टू एजुकेशन के तहत है ना, आपको बताना चाहती है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है, किसका काम है संविधान और उसके ऊपर आधारित कानूनों की हिफाजत करना, किसका काम है, अदिति त्यागी का या शोएब जमाई का? मेरे राइट्स का वायलेशन हो तो मैं कहां जाऊंगी, टीवी डिबेट में आकर सिर्फ कंप्लेन करूंगी या जाकर अदालत का दरवाजा खटखटा दूंगी? मदरसों के मामले में आपका कौन सा राइट का वायलेशन हो रहा है? अरे आप तो यही बात है ना, मदरसों के राइट का वायलेशन हो रहा है आपकी किताब में, तो जाएंगे ना अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे ना, यही हमारी किताब में नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही हमारी किताब में नहीं हो रहा, यही गलत फहमी है, सिर्फ ये संविधान की किताब में हो रहा है ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप संविधान की किताब में हो रहा है, टोटलिटी में बात कीजिएगा और फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन की भी बात करूंगी और तब आप गिर जाएंगे जैसे भी आप गिर गए शोएब जमाई, कोई बात नहीं। मुफ्ती शमून कासमी आपको भी डर लग रहा है क्या मदरसों के सर्वे से? कोई बात नहीं, शोएब जमाई हो गया भाषण, तर्कों पर ना 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 वाद विवाद और एनिमेशन एनिमेटेड होकर अपनी बात रखने में गुस्सा नहीं होता, ये आप लोगों की बहुत ही ऐसे लगता है बहुत ही संकुचित सोच है। अगर असर्शन के साथ कोई बात करे, अगर कोई एनिमेशन एनिमेटेड होकर बात करे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है एनिमेटेड होना, क्यों बुरा लगता है भाई, क्यों बुरा लगता है, आप भी एनिमेटेड होकर बात कीजिए, किसने रोका आपको? अभी आप चिल्ला रहे थे मुफ्ती शमून कासमी। हाँ देखिए अदिति जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मदरसों का सर्वे और मदरसों का रजिस्ट्रेशन और संविधान, क्या संविधान ने कहीं हमें लॉ एंड ऑर्डर के मानने से कहीं इनकार किया है? मैं इस समझ से मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दानिश्वर लोग किस तरफ मदरसों की तर्जमानी कर रहे हैं। मदरसे अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और उनका एक मकसद है कि दुनिया के अंदर अमन और भाईचारा हो, वहाँ एक ऐसी शफाफ और ट्रांसपेरेंस एजुकेशन दी जाती है जो बताती है कि सारी दुनिया एक परिवार है, अल खल्कु अयालुल्लाह वसुधैव कुटुंबकम। अब अगर उन्हें इन दीनी तालीम के साथ, मजहबी शिक्षा के साथ अगर आधुनिककरण हो जाए, उन्हें सामाजिक ज्ञान भी मिल जाए, तो इसमें नुकसान क्या है? और अगर वो इन लीगल तरीके से चल रहे हैं, वो लीगल हो जाए, तो इसमें भी मुसलमानों को कोई परेशानी और कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जवाब लीजिए। सवाल इस चीज का है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर जो है सर्वे से ना हमें डरना चाहिए, बल्कि हमें तो अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए कि हम दुनिया में अमन अमान के लिए, भाईचारे के लिए, एक दूसरे की खिदमत के लिए आए हैं और ये एजुकेशन, ये तालीम हमें हजरत मोहम्मद साहब ने दी है। ठीक है, अब जल्दी से हाजिक खान, घर घर में मदरसा? देखिए मैडम, बात यह है कि इस्लाम की सबसे पहली शिक्षा कुरान है और कुरान जो है बच्चों को हमारे यहाँ इसलिए सिखाया जाता है जिससे नमाज, रोज़ा, ज़कात, एक मुसलमान पर इतना दीन का सीखना फ़र्ज है कि उसे हराम हलाल की तमीज़ हो जाए, हराम हलाल की तमीज़ यानी एक आलिम की हैसियत से हो जाए। मदारिस जो है वो वहाँ सिखाते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का जीवन कैसे गुजारना है, कुरान सीने में जो हाफिज होता है वो ये बाहित किताब है दुनिया की जो अपने अरे सीने आपको डर लग रहा है इस सीने मुझे मदरसों को लेकर कोई सवाल मेरे जहन में नहीं है और दर्शकों के जहन में भी नहीं है। जी बोलिए क्या चाहिए? सब मदरसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आपको भी डर लग रहा है मदरसों के बारे में? एक जो आपने अपनी उसमें लाइन में चलाया कि यहाँ आतंकवाद सिखाया जाता है, नफरत सिखाई जाती है, यहाँ दुनिया की चीज सिखाई, आपने कहाँ देख लिया कि यहाँ पर आतंकी तालीम दी जाती है? ये लाइन आपने कहाँ ऐसे देखी है? लोगों के साथ भला ये सिखाया जाता है? नहीं नहीं, आपने कहाँ से देख लिया? कहीं क्वेश्चन मार्क तो ना लगा था? दूसरी बात ये लाइन पढ़ी है ना आपने कि हमारे मुसलमानों में 4% बच्चे एजुकेटेड है, जिसमें से 2.5% मदारिस से हैं और 1.5% स्कूलों से, 96% हमारे मुसलमान घर घर में मदरसे को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप वही पुरानी डिबेट में जा रहे हैं है कि नहीं? अरे सरकार पुरानी डिबेट में क्यों जा रहे हैं, आज की डिबेट पर बात कीजिए। संजीव उनियाल से जवाब ले लीजिए। संजीव उनियाल, स्कूल खोले उनके लिए? मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति है
कि मदरसे जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, उसमें तरह तरह की सर्वांगीण विकास का ऐसा एक वातावरण तैयार हो, कुरान उसका एक पार्ट हो सकता है, परंतु और भी उसमें और चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज का पार्ट हो सकती हैं, आपकी सर्वांगीण विकास हो, इसलिए जो स्कूल्स होते हैं इसलिए एफिलिएटेड होते हैं सीबीएसई वगैरह के साथ, पर आप उसको मिला रहे कि हम घर घर में मदरसे खोल देंगे। कुरान पढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा, एक सर्वेक्षण की सर्वे की बात हो रही है सिर्फ, और जहां सर तन से जुदा हो जाता है वहां कोई डर सकता है क्या? एक सज्जन कह रहे थे कि किसी के बाप का राज है, सबके बाप का है। अरे भैया, जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं कम से कम ये देश उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, मुगलों को बाप मानने वालों को अगर वो शोर मचाते हैं, अगर कहते हैं कि मुगल हमारे बाप है, तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हाँ सबने किया है पार्टिसिपेट, आपके पिताश्री ने भी किया, हमारे पिताश्री, हम सबके दादाश्री ने भी किया है, तो ये पार्टिसिपेट जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया है, उन सबके बापों की, उन सबके बच्चों की जमीन है। अगर कोई मुगलों की और बाबर की अपनी को बोलता है कि हम उसकी लीने से आ रहे हैं, तो नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अगर सर्वे हो रहा है, अगर सर्वेक्षण हो रहा है, अगर उसमें कोई चीज जनवरी 15 शोर मचाए शोर, तो मुगलों की बिल्डिंग तोड़ोगे? पहले से आपने मान लिया का कोई गलत है, आक्रमण है कहीं ना किस तरह की बहस कर रहे हैं कॉमेंट यहाँ पे आशा गांधी, ये जो कहीं ना कहीं ये जो कॉमेंट है जमीरुल्ला कह रहे हैं घर घर में मदरसा, पहले तो पार्टी का स्टैंड क्या है? सबसे पहले तो मैं अदिति, सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को एक बार जी न्यूज की तरफ से और पूरे देश की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं। और जहां तक ये मदरसों के सर्वे का सवाल है, देखिये दो चीजें इसमें जो सामने आती है सोचने वाली बात है कि आरएसएस और मुस्लिम कुछ संगठन, आरएस जैसे आरएसएस जो है वो सरस्वती सेतु मंदिर चलाता है, विद्या भारती स्कूल चलाता है, और कुछ जो मुस्लिम रजिस्टर्ड संगठन हमारे देश में है वो मदरसे चलाते हैं, इसमें सरकार से एड नहीं ले दी जाती है। अब जहां तक इनके सर्वे का सवाल है, देखिए प्रधानमंत्री एक तरफ बात करते हैं कि हर मुसलमान के बच्चे के हाथ में कुरान और कंप्यूटर हो, तो अगर मदरसों के सर्वे का सवाल जो सरकार ने उठाया है तो उन्हें एक बार जो आरएसएस के द्वारा संचालित स्कूल हैं उनको भी सर्वे की बात करनी चाहिए थी, उनको भी आदेश देने चाहिए। राकेश त्रिपाठी, अभी सुन लीजिए एक मिनट आप। दूसरी बात, अभी राकेश त्रिपाठी जवाब आपका। नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। अरशद आबिद साहब ये जानकारी रख ले, दुरुस्त कर ले कि कोई भी संस्था विद्यालय चलाए वो किसी न किसी एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त होगी, वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, और हर बोर्ड अपने नियमों का पालन कराने के लिए वो तमाम सारी उनकी जांच भी करता है और समय समय पर उसके बारे में और जांचें कराता रहता है। ये मदरसा शिक्षा बोर्ड का निर्णय है, मदरसा शिक्षा बोर्ड में बैठने वाले सभी सदस्य मुस्लिम ही हैं, और इफ्तिखार अहमद जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी कमेटी के साथ इस बात का निर्णय किया कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। मदरसा शिक्षा बोर्ड को ये पूरी तरह से अख्तियार है कि वो अपने मदरसों का सर्वे कराए जिनको उन्होंने मान्यता देने का काम किया है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं निश्चित तौर पर उनके भी सर्वे होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि मदरसों की आड़ में कहीं किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां तो नहीं चला रहे, कहीं किसी प्रकार के अवैध भवन पर कब्जा तो नहीं है, ये सारी बातें जरूर तय होंगी। लेकिन एक बात महसूस कर रहा हूँ, जो नहीं तो एक जमीन वापस आपको मंच दूंगी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं उनका कॉमेंट ले लीजिए, उसके बाद में वापस आपको मंच दूंगी। पठान, देखिए इनकी बात से ऐसा लग रहा है अदिति जी कि मोदी जी और योगी जी चाहते हैं कि मदरसों के बच्चे को अच्छी तालीम मिले, कंप्यूटर मिले, मदरसे अच्छे हाई फाई बन जाए, लेटेस्ट वर्जन हो जाए, बड़े बच्चे वहां से पढ़े लिख के निकले तो अच्छे डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बन जाए, देश का नाम रोशन करे। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी और योगी जी ये नहीं चाहते कि जो हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं या जो विद्या मंदिर में पढ़ते हैं या जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छी तालीम मिले, उनको भी अच्छी विद्या मिले, उनको भी अच्छे बेंचेस स्कूल के अंदर अच्छी फैसिलिटी मिले, कंप्यूटर लैपटॉप मिले, ये वो नहीं चाहते क्या? उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बड़े डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बने? नहीं, इस पे तो बोल रहा हूं ना कि इनकी नीयत में खोट है। अगर ये चाहते ना कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने ये करे तो इस तरह की जुमलाबाजी नहीं करते, जाके सर्वे कराते, गुरुकुल का भी जाके सर्वे कराते। जवाब लीजिए, पुराना ही सवाल है, लेकिन फिर से जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी। ऐसा नहीं करते कि कोई भी शिक्षण संस्थान किसी न किसी बोर्ड के द्वारा संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, और वो बोर्ड वो संस्था उनका रेगुलर तरीके से चेक करने का भी काम करती है और
उसके मानक है, उन मानकों के आधार पर ही मान्यता देती है। हम कह रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, मदरसों की आड़ में अलग प्रकार की गतिविधियां चला रहे, उनको निश्चित तौर पर रोका जाएगा, उनको टोका जाएगा। और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जहां मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उदाहरण के तौर पर महिलाओं को जो 1200 स्टेट गवर्नमेंट को सर्वे करने का कोई अधिकार नहीं है इसमें, उनको अभी तक कोई मैटरनिटी लीव नहीं थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने तय किया कि 1000 क्या ये गलत निर्णय किया क्या? क्या मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों को वजीफा मिल रहा है, क्या प्राइवेट फंडेड मदरसे हैं वजीफे के नाम पर जो जकात नहीं हो रहा है? बारिश पठान को चिंता इस बात की है कि मदरसों के नाम पर तो अवैध गतिविधि के केंद्र है, उन पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, मदरसों के नाम पर चल गई जाए अवैधानिक गतिविधियां। जल्दी से कमेंट शो जमाई, एक दूसरे पर वार पलटवार आप कर रहे हैं, जल्दी से शो जमाई, आप अपने लगातार कमेंट आपका जल्दी से। आदिति जी बारिश पठान एक बार शोएब जमाई का कमेंट में ले लेती हूँ, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, वापस आपको मंच दे दूंगी, राकेश जी बैठिए प्लीज। 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट। अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए बात। अच्छा 10 सेकंड में मेरी मैं ये पूछना चाहूंगा इनको, वो कौन से मदरसे से आए थे रेडिकलाइज होकर गुंडे जिन्होंने हमारे पार्टी के सदर के ऊपर गोली चलाई थी, बताइए। वो सुनिए सुनिए, ऐसा नहीं चलेगा। वो गुंडे कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे जो खुलेआम रस्ते पे खड़े रखे कर रहे मुसलमानों का चुन चुन के मारो? वो कौन से मदरसे से पढ़ के आया था जिसने स्टेट पे खड़े रखे कहा कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, उनको किसने रेडिकलाइज किया था? वो कौन से मदरसों से पढ़ के आए थे बताओ, मदरसे का नाम बताइए मुझे, मदरसे का नाम बताइए। चलिए अरे आरएसएस के लोग हैं ये सब, तो कहां से बात बात करते हैं? सारे मदरसे खराब नहीं है और मदरसे ठीक किए जाने चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन मदरसों के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित करेंगे ठीक है? मानसिकता मदरसे शिक्षा के केंद्र है, शिक्षा के केंद्र शिक्षा के केंद्र होंगे, वो आतंक के केंद्र नहीं हो सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे शिक्षा के केंद्र के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित करें तो रोक लगाई जाएगी और रोक पर होगी। ठीक है, जवाब लीजिए अब शोएब जमाई। शोएब जमाई देखिए अदिति जी, भारत के अंदर चलने वाले जो मदरसे हैं वो कभी भी रेडिकलाइजेशन का केंद्र नहीं रहे, बल्कि भारत के अंदर जो मदरसे रहे हैं वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा उन्होंने भूमिका निभाई है, जिसकी बानगी जो है दारुल उलूम देवबंद और पूरा इतिहासकार इसको जानते हैं, दुनिया जानती है। पाकिस्तान के मदरसे क्या करते हैं उससे हमें मतलब नहीं, मैं भारत के मदरसे की बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने कहा कि भाई मदरसे में ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, बुनियादी तौर पर यह है कि बेसिक एजुकेशन तो शुरुआती तौर पर हो सकता है जब हिफ्ज कर रहे हों मदरसे के बच्चे, लेकिन हायर लेवल में स्पेशलाइजेशन की जरूरत आलिम हाफिज कारी मुफ्ती और फिका की है, जो अपने आप में 14 से 17 किताबें उसमें पढ़ी जाती हैं, वो अपने आप में स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि हाफिज आलिम कारी जो है इस कौम को इस सोसाइटी को जो है प्रीच करने के लिए प्रोपगेट करने की जरूरत है और वो संविधान का हिस्सा है टू रीच एंड प्रोपगेट द रिलीजियन। नंबर टू, तीसरी बात, मैं इस बात को भी मानता हूं कि साइंस को जो एंडेवर है उसके खुद बखुद कुरान उसकी बानगी है, 126 आयतें जो हैं कुरान की वो साइंस को यहां से प्रोपगेट करती है, इसलिए जरूरी है कि हम साइंस के ऊपर भी रिसर्च करें और हम कर रहे हैं। मैं खुद साइंटिस्ट हूं, मैं कैंसर बायोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट हूं आईसीएमआर गवर्नमेंट, तो मैं कर रहा हूं, हमने भी कुरान पढ़ी है। कौन लॉयर है अभी भूल जाते हैं, यूपी में जितने मदरसों का सर्वे हुआ उनमें से कई का दौरा जी न्यूज की टीम ने किया, सर्वे के दौरान टीम वहीं पर थी जी न्यूज की, हम आपको बताना चाहेंगे अभी तक किसी भी मदरसे से कोई बड़ी गड़बड़ी की बात बाहर नहीं निकल कर आई, जैसे कि आरोप लगते रहे टेरर फंडिंग के, जिहादी सिलेबस के, कट्टरपंथी शिक्षा देने के। हालांकि ये भी है कि सर्वे की फाइनल रिपोर्ट अभी यूपी सरकार तक नहीं पहुंची है, सर्वे को लेकर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर आसाम तक मदरसों पर यह शिकंजा सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए कसा जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये आरोप भी लगातार लग रहे हैं कि मदरसों का सर्वे कराने, उनमें ताला डालने का डर दिखाने और उन पर बुलडोजर चलाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटर को खुश करने की कोशिश है। आसाम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा मदरसों को अलकायदा का अड्डा तक बता चुके हैं, जिस पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने, एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे। दोनों के बयान एक बार फिर से सुनिए आप। जो भी मद्रासा तोड़ा गया है वो मद्रासा नहीं था, वो अलकायदा का एक कार्यालय था, तो दो तीन हमने तोड़ा, अभी पब्लिक खुद आके तोड़ रहा है और मुसलमान समाज आके तोड़ रहा है कि हमको ऐसा मद्रासा नहीं चाहिए।
जहां में अलकायदा का काम होता है, बिकॉज अलकायदा का काम होने का साथ साथ वो मद्रासा का अपना कैरेक्टर चेंज हो जाता है। कहां एंटी नेशनल है बताओ, कहां एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आजादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आजाद करवाए थे। यहाँ पर एक सवाल मुफ्ती शबून कासमी ये भी उठता है, ये पूरा ये नैरेटिव जो है इतना बटा हुआ क्यों है? क्या तथ्यों की रोशनी में किसी भी बात को देखना और समझना क्या इतना मुश्किल है? अगर सर्वे के लिए कहा जा रहा है करा लीजिए, सर्वे नियत साफ है तो दिक्कत क्या है, और रिपोर्ट का भी इंतजार कर लीजिए। नहीं अदिति जी, अभी आपने बताया कि अभी तक मदरसों में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली या वो किसी चीज को, तो आप ये देखिएगा कि यही चीज रही है कि मदरसे जो हैं अगर उनका उनका सर्वे होता है तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर किसी तरह का एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कोई अनियमितताएं और कमियां निकलती हैं तो उन कमियों को दूर करना चाहिए। और जहाँ तक इसका सवाल है कि जैसे अभी मेरे से पूर्व बताया राकेश जी ने कि भाई मदरसे कहीं ना किसी बोर्ड से वो उनका उनका इल्हाक होता है तो वो उनसे संबंधित होते हैं, तो उन मदरसों का अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो तो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और मदरसों के बारे में मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी ने किसी सरकार ने कोई ऐसा एतराज नहीं किया है। ठीक है सर, मैडम मदरसे इन मदरसों ने हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा दिए, और उन 1800 बच्चों में से 1200 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, यानी डॉक्टर बनेंगे इन्हीं मदारिस से वो बच्चे। हम ये कह रहे हैं कि 4% जो लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं इनके अलावा और लोग भी हैं, 96% जो इन मदरसों और स्कूलों से दूर हैं। सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है पहले उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, उनकी नियत अच्छी है, अगर नियत अच्छी है ठीक है, सरकार की जन्मा दिए कि मुस्लिम वर्तमान में रहिए। जी जरा एक मेरी बात, मैं भाई त्रिपाठी साहब से बात करना चाहूंगा जो सरकार के नुमाइंदे हैं। त्रिपाठी जी, आपने अभी कहा कि अभी हमने कानून बनाया है मदरसों का सर्वे हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, तो आप मेहरबानी करके सरकार की तरफ से ये कहिए कि जितने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुए वो अब करा लें, उसके बाद किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी तो देखिए, पर आपके पास लाइन लग जाएगी रजिस्ट्रिंग कराने वालों को। हम एक बात ही कहना चाहते हैं, जब आपने कानून बनाया था रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो इसको भी कहना बंद करें कि अवैध नहीं है, सब वेद वाले हैं, सब एक नंबर के मदरसे हैं। मदरसों के अंदर सिर्फ और सिर्फ तालीम दी जाती है अच्छाई, उसमें देशभक्ति भी सिखाई जाती है त्रिपाठी जी, और मुझे आपकी मेरी और आपका क्या रिश्ता है हिंदू मुसलमान सबका। हाँ, मैं इसको स्पष्ट कर दूं आपके जी न्यूज के देख रहे दर्शकों को भी और बैठे हुए पैनलिस्टों को कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यह सर्वे कराना प्रारंभ किया था, क्योंकि शिकायत यह आई थी कि लखनऊ में एक विद्यार्थी को जंजीरों से बांध करके मदरसे में रखा गया था। इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को की गई और उसके आधार पर उन्होंने ये सर्वे कराना प्रारंभ किया कि क्या न्यूनतम मानक को मदरसे पूरा कर रहे या नहीं कर रहे, वहां बच्चों के हाल कैसे हैं, शिक्षकों की स्थितियां क्या है, शिक्षक का अनुपात छात्र अनुपात क्या है, बैठने के लिए कितने कमरे हैं, बेसिक विवाह फैसिलिटीज है या नहीं है, इन बातों का सर्वे हो रहा है। वो घबरा रहे हैं, इसका मतलब वो तय है कि वो मानकों को पूरा नहीं करते, शिक्षा के केंद्र के नाम पर कुछ फर्जीवाड़ा चलाना चाहते हैं। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, जो विधिक तरीके से नियमों का पालन करके बोर्ड के साथ संबद्धता करके अपने विद्यालय को चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मदरसे के नाम पर अगर कोई फर्जी कब्जा है, अवैध गतिविधि है, तो निश्चित तौर पर रोक लगे। देखिए ये तो झूठ बोलते हैं, इनको प्रवक्ता है लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनकी पार्टी क्या चाहती है। हमको मालूम है कि अब आपने ऐसा बताया ना आदित्य जी कि कुछ निकला नहीं है अब तक, 558 मदरसों का ये सर्वे कर लिया लेकिन कोई गतिविधियां नहीं आई, पर शंका ये है कि अब तक आई नहीं है, मगर ये कुछ भी डाल सकते हैं।
हमको यही डर था ना, हमको ये डर, मिनी एनआरसी है, कुछ भी करेंगे, क्या डेटा अवेलेबल नहीं है इनके पास, क्या कितने लोग वहाँ काम करते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, सारा डेटा इनके पास अवेलेबल है, मगर फिर भी सर्वे करके परेशान करना जरूरी है। आप खामोश रहो, खामोश बैठो, चुप बैठो, सुना आपकी बात को खामोशी के साथ, जवाब देने की क्षमता नहीं है तो घर पे जाओ, पहले जवाब देना सीखो, उसके बाद बात करो। क्या है, क्या है, क्या है तुम्हारी मानसिकता, क्या है मदरसों के खिलाफ, क्या मानसिकता है बताओ ना, क्या मानसिकता है तुम्हारी मदरसों के खिलाफ? हाँ, अरे पहले नौकरी प्रोवाइड करो, पहले पगार दो वाकई टीचरों को, 5 साल से पगार नहीं दिया तुमने, हाँ 5 साल से पगार नहीं दिया, बेवकूफ आदमी यहाँ पे आके जुबान हिला रहा फालतू में, पगार टीचरों को पगार दो मदरसा के, चलो प्लीज आराम से आप अपनी बात रख सकते हैं, इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप पलट के सवाल पूछ लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा मर्यादित तरीके से और संयमित तरीके से बहस कीजिए, मैं सब आप सबको मंच दे रही हूँ, आप सबको बात रखने के लिए ही बुलाया है, लेकिन उसके लिए इस तरह से थूतू मैं करने की जरूरत है क्या? पहले समझ आए दर्शकों को, इसीलिए तो डिस्कशन किया है, क्या कह रहे हैं आप? अगर डांटी नहीं दे सकते हो अदिति जी, तो आप खामोश हो, मैं शर्मता हूँ, मैं इसको डांटी देकर समझाऊंगा, मैं बोल रहा था बीच में क्यों बोले, मेरा सवाल है टीचरों को पगार क्यों नहीं दिया तुमने? एक सेकंड वारिस पठान, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है, आपको अपनी बात रखने के लिए बुलाया है, डिबेट को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी अदिति त्यागी की है, उसे अपना काम करना आता है, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो मुद्दे पर आइए आप, वो ये कह रहे हैं कुछ गलत नहीं किया तो क्या दिक्कत है, आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, टोटल गलत किया, मैं बोल रहा हूँ टोटल झूठ बोल रहा है वो आदमी, अभी क्या जवाब है, ये आपकी सोच है सर, ये आपकी सोच है, वो ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये आपके आरोप हैं। भाजपा आरएसएस पूरे झूठों की सरकार, अरे झूठों की सरकार है ये अदिति जी, किस पे विश्वास ये 15 मिनट झूठ बोलते हैं, ये आरएसएस भाजपा वालों का काम ही है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, डर में पूछो इनको पगार दिया गया, पगार दिया गया, चलो मैं टीचर को सामने लेके आऊंगा अदिति जी, आपके जिनको पगार नहीं मिला था मैं बताऊंगा आपको, जल्दी से कमेंट यहां पे जमीरुल्लाह खान दिया इन लोगों ने, चलिए बताइए जमीरुल्लाह खान कितना पगार दिया, जमीरुल्लाह खान मैं ये कहना चाहता हूं अगर इनकी नियत साफ है कि तो पहले मदरसों का मकसद समझा, मदरसे होते क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वेज मदरसे और रजिस्टर मदरसे, ये क्लियर कर दें कि मदरसों जो जो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होगी, लिहाजा ना कोई पूछा पहले की पूछताछ होगी तो देखिए सब लोग करा लेंगे, और फिर आप क्या देते हैं आप देखिएगा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर मैंने ये कह दिया मदरसे का मतलब सिर्फ ये है कुरान की तालीम, अच्छी बातें सीखना, दुनिया की दुनिया कैसे गुजारी जाएगी, अपने माँ बाप का कैसे आदर किया जाएगा, ये मदरसों में सिखाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी किसी की होती है, उसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें बच्चों का भविष्य टिका होता है सर, उसमें बच्चों का भविष्य टिका होता है, आपने बोल दिया किसी को दिक्कत क्यों हो गई, आपके कहने से नहीं होगा सर, आपको भी थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, आपसे भी मुझे इतना ही कहना है, और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई खुद को बताता है तो उसकी जवाबदेही भी आप फिक्स करेंगे, क्योंकि वहां पर बच्चों को तालीम दी जा रही है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन मदरसे ज्ञान के लिए है, इस्लाम का ज्ञान भी और आधुनिक ज्ञान भी, मदरसे मजहब का अखाड़ा नहीं बनाए जा सकते, ऐसे में आपको ये सोचना जरूर है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अगर मदरसे में पढ़े तो वो बच्चे कल को ये ना सोचें कि वो मॉडर्न एजुकेशन से, आधुनिक शिक्षा से वंचित रखे गए, आप भी ये सोचिएगा जरूर कि मदरसों पर लगाम लगाने की कोशिश सियासी होगी तो फिर सवाल उठेंगे और ध्रुवीकरण का जिन सिर पर नाचने लगेगा। आपको यह भी सोचना है कि मदरसों पर देश विरोधी गतिविधियों के संगीन आरोपों का आधार क्या है, अगर सबूत है तो फिर क्या जांच नहीं होनी चाहिए, और अगर जांच में कुछ कॉन्क्रीट पाया जाता है तो क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर कड़घरे में कोई मदरसा है, यह भी सोचिएगा। लेकिन कोशिश तालीम देने की हो, कोशिश सियासी आग में तालीम फूंकने की ना हो, कोशिश तालीम की आड़ में देश का विरोध करने की ना हो, कोशिश ऐसी तालीम की होनी चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके, बच्चों को इंसानियत सिखा सके और उनकी जिंदगी को रोशन कर सके। कसम संविधान की, मैं फिलहाल इतना ही, कल रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे पर, आप रहिए जी न्यूज के साथ।